जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका यूपीएससी मोटिवेशन योगी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी लेके आया हूँ फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जिनका नाम है दीप्ति देव। सो फ्रेंड्स, वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो चालू करते हैं। सो फ्रेंड्स नमस्कार। वीडियो चालू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, इस कोचिंग का नाम फ्रेंड्स दृष्टि है। हाँ फ्रेंड्स, दृष्टि ये फ्रेंड्स, इसका ब्रांच जयपुर में भी है और मेन ब्रांच जयपुर में फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊँगा फ्रेंड्स, आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, कि पेपर कैसे कैसे आता है, कैसे उसको हल करना होता है, कैसे उसमें हेडिंग को लिखा जाता है फ्रेंड्स। और आपको पता ही है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा पेपर करने से पहले इम्पोर्टेंट होता है कि पेपर को किस प्रकार हल किया जाता है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आप जानते ही हो कि लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसको किस प्रकार लिखा जाए, किस प्रकार क्रम में, कैसे मतलब कि लिखा जाए उसे। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा सब कुछ, कि उसमें क्या क्या लिखना होता है, कैसे पेपर आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार निबंध की हेडिंग लिखी जाती है और किस प्रकार क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलो, मैं वीडियो चालू करता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ब्रांच का नाम है फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप। हाँ फ्रेंड्स, ये ब्रांच है दृष्टि ब्रांच है ये। सो फ्रेंड्स, ये ब्रांच है अपना दिल्ली में भी है और जयपुर में भी है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका टाइमिंग होता है फ्रेंड्स 3 घंटे का फ्रेंड्स, ठीक है, निर्धारित समय 3 घंटे, ऑल टाइम अलाउड 3 आवर्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो अधिकतम अंक क्या है इसके, 300-250 अधिकतम अंक है, अधिकतम 350। सो फ्रेंड्स, ये इनका कोड होता है, देखो मैं आपको कोड साफ करके बताता हूँ, ये इनका फ्रेंड्स कोड होता है ये, कि पेपर कहाँ पर किस कॉपी कैसे लिया गया है पेपर फ्रेंड्स, ये कोड होता है उनका फ्रेंड्स, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये इनका नाम है फ्रेंड्स, ये रहा इनका नाम फ्रेंड्स, ये इनका नाम है फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको टिक लगा के दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये दीप्ति देव, ठीक फ्रेंड्स, ये दीप्ति देव है फ्रेंड्स। यहाँ पर इसमें कॉपी पर नाम आता है आपका किस उसमें है फ्रेंड्स, एक मिनट रुको फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो इन्होंने हाँ किया दे रहे हैं, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा और टेस्ट नंबर या दिनांक आ जाएगी, ठीक फ्रेंड्स। तो उस टाइम दिनांक थी फ्रेंड्स 8/10/2017। जी हाँ फ्रेंड्स, 8/10/2017 थी, ये यूपीएससी टॉपर रही थी फ्रेंड्स, ठीक है, यूपीएससी टॉपर रही थी फ्रेंड्स। ये अच्छी परसेंटेज थी फ्रेंड्स इसको, और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई की थी फ्रेंड्स। बहुत से स्टूडेंट्स रात भर पढ़ते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स दिन में पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इनका रात का टाइमिंग था पढ़ने का फ्रेंड्स, ये करीब 8 बजे अपना खाना खा के कंप्लीट हो जाते थे और सुबह 6 बजे तक स्टडी करते थे फ्रेंड्स। बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स का दिन का समय होता है, जैसे कि अपनी दिव्या तंवर जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ की है फ्रेंड्स, पहले वो 2021 में फ्रेंड्स वो आईपीएस के पद पर थी फ्रेंड्स। हाँ मैं आपको बता देता हूँ, दिव्या तंवर थी जो आपके दृष्टि से थी फ्रेंड्स, वो हिंदी मीडियम से, ठीक है, ये भी हिंदी मीडियम से है फ्रेंड्स, दीप्ति है ये भी हिंदी मीडियम से है, मीडियम इनका हिंदी था फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे आईपीएस दिव्या तंवर थी फ्रेंड्स, उनकी पहले रैंक थी उनकी 438। सो फ्रेंड्स, उन्होंने अच्छी मेहनत करके अब की बार 2023 में उनकी रैंक थी 105 आईपीएस के पद पर, ठीक फ्रेंड्स। सो एक मिनट रुक, हाँ तो फ्रेंड्स कुछ वीडियो रुक गई थी फ्रेंड्स, सो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, रुको एक मिनट। हाँ तो फ्रेंड्स कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी तो वीडियो रुक गई थी फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था कि आईपीएस दिव्या तंवर थी, उनकी कंप्लीट रैंक थी फ्रेंड्स इस वर्ष 105वीं रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक फ्रेंड्स, ये हिंदी मीडियम से थी। उसी प्रकार दीप्ति देव भी हिंदी मीडियम से थी 2017 से फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, 2017 की थी फ्रेंड्स ये, दृष्टि से हिंदी मीडियम टॉपर रही थी फ्रेंड्स। सो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि इन्होंने किस प्रकार कॉपी को हल किया था, मैंने आपको कॉपी के बारे में डिटेल सब कुछ बता दिया फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो ये फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स, ये इनकी नाम देख लो फ्रेंड्स आप, मैंने आपको जूम करके दिखा दिया फ्रेंड्स, इनका नाम है ये रहा फ्रेंड्स, इनका नाम दीप्ति देव, ठीक फ्रेंड्स। ये 8/10/2017 में इन्होंने एग्ज़ाम दी थी फ्रेंड्स, ठीक, ये इनकी एग्ज़ाम कॉपी है। सो फ्रेंड्स चलो, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स,
कि पहला क्वेश्चन कैसा है, कि इसमें क्वेश्चन किस किस प्रकार आते हैं फ्रेंड्स। ठीक फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए। ये देखो फ्रेंड्स, ये निबंध आया है और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है फ्रेंड्स कि आप, मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, जूम करके देख लीजिए फ्रेंड्स आप। ये लिख रहा फ्रेंड्स, ये लिखा फ्रेंड्स कि कृपया इस कॉफ़ी, कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ नहीं लिखे फ्रेंड्स, ये लिख रहा फ्रेंड्स। ठीक है, और इधर भी लिखा हुआ फ्रेंड्स, ये कॉफ़ी के इधर साइड लगी ये भी लिखा हुआ है। सो आपको पहला प्रश्न पढ़ा देता हूँ फ्रेंड्स मैं, कि निम्नलिखित काव्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या लगभग 150 शब्दों में प्रस्तुत करते हुए उनको काव्य सौंदर्य का परिचय दीजिए। ठीक फ्रेंड्स, ये है 10x5 50 नंबर का फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स। ये देखो, ये तो अपना क्वेश्चन रहा फ्रेंड्स। ठीक है, ये प्रश्न रहा, इसमें क्या है। ठीक, ये कंप्लीट 50 नंबर का है। ठीक, जिसमें एक क्वेश्चन 10 नंबर का, जैसे कै है ये, अगर आप इस कै को लिखो, कै को हल करोगे फ्रेंड्स ये वाला, तो 10, ये है 10 नंबर का। ठीक, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, ठीक, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखाव नहार। ठीक, तो इन्होंने किस प्रकार इसको लिखा है मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखो, सबसे पहले इन्होंने काले पेन का यूज किया, ठीक, ब्लैक पेन, ठीक, ब्लैक इंक वाला जो पेन है उसको यूज किया है, और यहाँ पर संदर्भ प्रसंग एक साथ लिखे फ्रेंड्स। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट होती है हेडिंग को जमाना, कि हेडिंग को किस प्रकार जमाते हैं फ्रेंड्स, आप देख लीजिए इन्होंने हेडिंग को किस प्रकार जमाया है। ठीक फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर अब इन्होंने लिखा है, उपरोक्त काव्यांश निर्गुण भक्ति काव्यांश के संत कवि कबीरदास की वाणी के संकुलन कबीर, ठीक फ्रेंड्स, के सतगुरु को अंग से लिखा है, इस पंक्तियों को कबीरदास सतगुरु के महत्व को बोलता है। ठीक फ्रेंड्स, अब इसमें कुछ ऐसा लिखकर यहाँ पर संदर्भ लिख के फ्रेंड्स यहाँ पर इसकी व्याख्या कर दी फ्रेंड्स। व्याख्या में लगा लिखा है, जो मतलब कि जो आपको बताया हुआ है सार में, जो आप पढ़ के जाते हो इसके बारे में, कंप्लीट प्रसंग में, मतलब शॉर्टकट कि किससे लिया गया है, किस पार्ट से, कैसा भाव है इसमें, कौन से उसका उपयोग किया गया है, जैसे कि सत निर्गुण है, सगुण है, कौन सी भक्ति का, तो ये सतगुरु अंग से लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिख रहा है इसमें, ये ऋणा सतगुरु को अंश से लिया है, इन पंक्तियों में कबीरदास सतगुरु के महत्व को बता रहा बतलाता रहे। ठीक फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आपको इसमें लिखना है, संदर्भ में प्रसंग व प्रसंग। ठीक, तो फ्रेंड्स अभी आगे सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो अपना था संदर्भ एवं प्रसंग, सेकंड पॉइंट है अपनी व्याख्या। ठीक फ्रेंड्स, अब ये व्याख्या आ गई फ्रेंड्स, तो व्याख्या में लिखा है उन्होंने, उनका मानना है कि मनुष्य या जीव के समस्त जो माया का आवरण है उसे सतगुरु हटाकर ब्रह्म के उस अनंत रूप का साक्षात्कार करता है जिसका जीव अंश है। ठीक फ्रेंड्स, इस प्रकार इसमें लिखकर मैं आपको बता देता हूँ। फिर भावगत सौंदर्य लिखा है यहाँ पर, ठीक, सौंदर्य, भावगत सौंदर्य, उसके पॉइंट लिखे, पहला पॉइंट। ठीक फ्रेंड्स, इसी प्रकार यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट लिखा है, दूसरा पॉइंट लिखा है इन्होंने फ्रेंड्स, ये दूसरा पॉइंट है। सूफी परंपरा में भी गुरु का महत्व अनंत है, जायसी ने कहा है। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पर भी एक दोहा लिख दिया, गुरु सुवाजित पंथ दिखा वित्त गुरु जगत को निर्गुण पावा। इस प्रकार अगर आप फ्रेंड्स बीच बीच में हेडिंग से आप पॉइंट पॉइंट लगा के आप लिखते हो तो काफ़ी देखने वाले को काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे में हुनर टैलेंट है, मतलब कि इसे कुछ आता है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने एक यहाँ पर पूरी कंप्लीट पंक्ति लिख दी इन्होंने यहाँ पर, ये फ्रेंड्स, ठीक, ये कंप्लीट पंक्ति लिख दी। अब तीसरा पॉइंट लिखा है इन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पर कि कबीर निराकर ब्रह्म के उपासक हैं, अनंत स्वरूप इसी कारण है शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव यहाँ पर लिखित बोलता है। ठीक फ्रेंड्स, अब चौथे नंबर यहाँ पर अभी तीन पॉइंट लिख दिए, अब उसके बाद में लिखा है काव्यागत सौंदर्य। ठीक फ्रेंड्स, उसका सौंदर्य के बारे में पॉइंट यहाँ पर भी पॉइंट जमा दिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर, चलो मैं आपको बता देता हूँ जूम करके। ठीक फ्रेंड्स, ये पहला भाषा सदकुटी, उसमें फ्रेंड्स मतलब कि किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसमें कौन सा क्या है दोहा में। ठीक फ्रेंड्स, आप इसमें पहला पॉइंट लिख दिया, ये भाषा सदकुटी तत्सम सद्भव सभी जो भी हो उसमें लिख देना चाहिए, छंद लिख दिए, उपमा लिख दिए फ्रेंड्स इसमें। ठीक है,
बाकी कौन सा उपसर्ग है इसमें, कौन सा भाव है इसमें आप लिख सकते हो। और नेक्स्ट चौथा पॉइंट इन्होंने लिखा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। चौथा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि ये मोस्टली, एक मिनट फ्रेंड ये क्या हो गया, हाँ फ्रेंड्स ये मोस्टली मोस्टली फ्रेंड्स, एक मिनट रुको फ्रेंड्स, किधर कॉफी गई, हाँ फ्रेंड्स आप फ्रेंड्स इसको मोस्टली ज़्यादातर कोई सी भी, मतलब कि कहीं भी कोई भी है उसमें आप लिख सकते हो इसको। जैसे मैं आपको बता देता हूँ चौथा पॉइंट, मैं आपको बता देता हूँ छोड़े जैसे छोड़ना नहीं चाहिए फ्रेंड्स आपको, क्योंकि दी एंड में आप किसी चीज़ को ये नंबरिंग करके और उसको छोड़ते हो फ्रेंड्स ना, तो ये सबसे गलत बात होती है। क्योंकि वो फ्रेंड्स वो देखता है कि इसने यार ये पॉइंट लगा के छोड़ दिया, इसको कंप्लीट नहीं किया, मतलब कि ये अधूरा है। तो आप कभी ऐसा नहीं करें कि पॉइंट डाल दो और आप उसको लिखो नहीं, ठीक फ्रेंड्स। सबसे बड़ी गलती है की थी इन मैडम ने, दीप्ति ने, कि एक चौथा पॉइंट लिख दिया ये चौथा पॉइंट और इसको अधूरा छोड़ दिया। सो फ्रेंड्स आप कभी ऐसा ना करें, ठीक, ऐसा आप कभी ना करें, या फिर तो आप लिखो मत, तीन ही रहने देते, या फिर लिखो तो उसको कंप्लीट करना। इन्होंने चौथा पॉइंट छोड़ दिया, तो आप उसको लिख सकते थे कि चौथा पॉइंट फ्रेंड्स मोस्टली, ये सब में चल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, मोस्टली आप कहीं पर भी लिख सकते हो कोई से में भी, कि भाषा भाषा सरल एवं सुबोध है, ठीक फ्रेंड्स। आप इसको मोस्टली कहीं जगह पर लिख सकते हो, जहाँ भी निबंध आपसे पूछे। ये मतलब कि कंपलसरी, मतलब कि कॉमन सा है, ज़्यादातर में समथिंग मिल जाता है ये, बाकी आप लिख सकते हो, ठीक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ इनके कुल नंबर मिले थे फ्रेंड्स इनको 10/6, मैंने आपको बताया था क्या क्वेश्चन 10 नंबर का, ठीक फ्रेंड्स, उसमें 5 आएंगे, वो तो इसमें 10 में से 6 मिले, ठीक फ्रेंड्स। गलती इनकी इसी इसी चीज़ के नंबर काट लेंगे फ्रेंड्स इनको, जहाँ पर इन्होंने 4 लिखा है और इसका आंसर खुला छोड़ दिया, इसका आंसर कुछ नहीं लिखा फ्रेंड्स, इनको यहाँ पर कुछ लिखना था। तो आप भी ऐसी गलती नहीं करें फ्रेंड्स, तो आप आपकी तैयारी भी ऐसी चल रही होगी फ्रेंड्स, आप भी कभी ऐसा नहीं करें। खे आ गए देखो फ्रेंड्स, ये भी 10 नंबर का एक है, मैंने आपको पहले की वीडियो पहले भी बता दिया कि खे 10 नंबर का, ठीक फ्रेंड्स। ये अब इसमें ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या है फ्रेंड्स, काके को रोकत मारग सुधो, सुनाऊ मधु निर्गुण करण, कटकते राजपंथ क्यों रुदो, के तुम सिके पठाए कुब्जा के कहीं, श्याम घन जूदो, वेद पुराण स्मृति सब ढूंढो जुपतनि जो कहूँ दो, ताको कहाँ परखो कीजे जानत छाछ ने दूदो, सुरमुर अक्रूर गए ले ब्याज निर्वत उदो, ठीक फ्रेंड्स। ये प्रेम भाव के जो श्री कृष्ण होते हैं उसके बारे में बताया गया है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैडम ने इसमें किस प्रकार को कंप्लीट किया इस निबंध को। सो फ्रेंड्स आप देखते रहिए, देखो यहाँ पर लिखा है मैडम ने, प्रस्तुत पद प्रेम एवं वात्सल्य के सफलतम कवि सूरदास की रचना सूरसागर के ब्रह्मगीत प्रसंग से ली गई है, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इन्होंने गलती किया है, ली गई है, तो यहाँ पर सर ने भी देखो टिक किया है, लिया गया है, क्योंकि ली गई है मतलब लिया गया है, ये फ्रेंड्स इसमें अच्छा सही था, तो सर ने यहाँ पर इसको क्रॉस कर दिया ली को, तो यहाँ पर लिया कर दिया, ठीक फ्रेंड्स। आप भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि शब्दों को गलत ना करें, आप हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी के ही शब्दों को आप ऐसा गलत करोगे तो फ्रेंड्स गलत बात होती है ये। और मोस्टली आप ध्यान रखा करो कि पेपर को किस प्रकार हल करना है, हेडिंग को जमाना, बाकी मैडम का हेडिंग जमाना अच्छा था तो फ्रेंड्स समंदर था, इसको जस्ट नीचे देखो एकदम स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधी लाइन में प्रसंग लिख दिया यहाँ पर फ्रेंड्स, पे व्याख्या। ये नहीं कि बहुत से लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर संदर्भ लिख दिया, तो बहुत से बच्चे यहाँ से प्रसंग लिख रहे हैं, यहाँ से हेडिंग लगा रहे हैं ऐसे, और यहाँ से लिख रहे हैं प्रसंग में व्याख्या, तो फ्रेंड्स ये गलत बात है, ठीक फ्रेंड्स। आप भी ऐसा नहीं करें, ज़्यादातर ऐसे नीचे लिखें और जमा के लिखें, जैसे मैम ने लिखा है जमा के लिखे फ्रेंड्स आप भी। सो आप देख लीजिए प्रसंग में व्याख्या, ये रही इन पंक्तियों में सर की गलियों उद्योग के शुष्क ज्ञान मार्ग के समक्ष अपने प्रेम के पक्ष में तर्क दे रही है, ठीक फ्रेंड्स। आप भी इस प्रकार हल कीजिए, और मैं आपको बता देता हूँ कि ज़्यादा अच्छा होता है कि आप पेपर को अच्छे तरीके से हल करें। सो ये कॉपी फ्रेंड्स काफ़ी बढ़िया है क्योंकि कंप्लीट तो नहीं होगी, मैं आपको लास्ट में लेके चलता हूँ कॉपी के फ्रेंड्स, चलो थोड़ा छोटा कर देता हूँ फ्रेंड्स। इसमें काफ़ी पेज है फ्रेंड्स, 60+ पेज है फ्रेंड्स इसमें, देखो 21 22 काफ़ी होते हैं फ्रेंड्स, इसमें 42 पेज है इसमें, ठीक फ्रेंड्स। ये रहे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर
जरूर करें, अपने साथियों को पहुंचाएं कि इस प्रकार कॉपी आती है, इस प्रकार आप भी गलती ना करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लें, ताकि मैं भी जो वीडियो बनाऊँ आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। तो चलते हैं वीडियो, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।